करती हूँ एशिया न्यूज इंडिया में। चलिए बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। दुर्गा सोरेन की 92वीं जयंती पर हेमंत सोरेन ने किया नमन, कहा राज्य आंदोलन में निभाई थी बड़ी भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 92वीं जयंती पर उनकी मूर्त पर माला अर्पण कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े दादा के इस दुनिया में नहीं होने से जो खालीपन आ गई है उसे कोई नहीं भर पाएगा। वे किसी परिचय के मोहताज कभी नहीं रहे, उनकी कमी हमेशा ही खलती रहेगी। आइए देखते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित झारखंड वासियों ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सोच और सपनों के अनुरूप झारखंड बनाने के लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के तीन बेटों में से सबसे बड़े दुर्गा सोरेन थे। दुर्गा सोरेन विधायक भी रह चुके थे और गोड़ा लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके थे, लेकिन वह उसमें विफल हो गए थे, वह हार गए थे। दुर्गा और सीता सोरेन की तीन बेटियां हैं। 21 मई 2009 को सीबू के बड़े बेटे और पार्टी के महासचिव दुर्गा सोरेन की बोकारो सिटी में अपने निवास पर संदेहपूर्ण स्थिति में मौत हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।